Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, अब तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि comparison में किस तरह के sentences आते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है friends? तो ये आज का जो वीडियो है हमारा लास्ट वीडियो होगा comparison से संबंधित sentences. तो let's start the class of the day. Friends, this is the last video of the comparison regarding the comparison. Okay, friends? तो हम फटाफट sentences मैंने लिखा है और आज का जो sentence है बहुत ही important sentence है friends और मजेदार sentence है. इस तरह के sentence हम बोलते तो जरूर हैं हिंदी में but English में काफी ज्यादा confusion रहता है बोलने में. ठीक है friends? तो हम एक एक करके बनाते हुए समझते जाते हैं. हम जीव जीव ऊपर जाते हैं त्यू त्यू ठंडा होता जाता है, बोलते हैं ना, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा होता जाता है, या हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है. हम कई तरीके से हिंदी में बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि जीव जीव हम ऊपर जाते हैं त्यू त्यू ठंडा होता जाता है, या हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा होता जाता है, या हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है. तो द हायर वी गो द कोल्डर इट इज. यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल हम करेंगे. हायर, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव में उसमें ईआर लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, फिर उसके बाद फिर से एडजेक्टिव आएगा, फिर उसमें यार आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब. यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है बनाने का, ये मेकिंग फॉर्मूला है कि इसका बनाया ना हमने. हम जीव जीव ऊपर जाते हैं त्यू त्यू ठंडा होता जाता है. तो द हायर, द हायर वी गो. ठीक है फ्रेंड्स, तो द हायर इसमें द जरूर लगाना है. तो ये एडजेक्टिव हो गया, दिस इज द एडजेक्टिव. द हायर वी गो सब्जेक्ट हो गया, वी वर्ब हो गया गो, फिर यहां पे एडजेक्टिव द लगाकर द कोल्डर इट इज. यहां पे फिर से वर्ब आ गया, दिस इज हेल्पिंग वर्ब बट वर्ब ही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर एडजेक्टिव में ईआर लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस एडजेक्टिव ईआर सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने लिखा द हायर, दिस इज एडजेक्टिव, वी इज द सब्जेक्ट, वी इज द सब्जेक्ट एंड गो इज द वर्ब. द हायर वी गो द कोल्डर इट इज. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि जितनी जल्दी काम शुरू करो उतना ही अच्छा है. तो यहां पर लिखेंगे द सूनर यू स्टार्ट वर्क. ठीक है फ्रेंड्स, द सूनर यू स्टार्ट वर्क या बिगिन वर्क द बेटर इट इज. ठीक है, द सूनर यू स्टार्ट द वर्क द बेटर इट इज. यहां पर जैसा मैंने फॉर्मेशन लिखा है, यहां पर फॉर्मूला लिखा है बनाने का, उसी फॉर्मूले पे ये इस तरह के सेंटेंस जितने भी है वो बनेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं. तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च करोगे. ये सेंटेंस, तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च करोगे. तो यहां पे कमाना है, इसमें पहले एडजेक्टिव नहीं आया, इसमें वर्ब आ गया कि तुम जितना ज्यादा कमाओगे. इसमें ज्यादा आ गया एडजेक्टिव बट इसमें वर्ब से शुरू हो रहा है, तो द मोर लिखेंगे हम. यहां जब भी वर्ब आए यहां पर, जैसे यहां पर सूनर है, हायर है, वी गो, तो यहां पर द मोर मतलब अर्न आ गया, तो अर्न के लिए हम यार नहीं लगा सकते उसमें, तो अर्न से पहले हम मोर लिखेंगे. द मोर यू अर्न, यहां पर जैसे एडजेक्टिव हायर हो गया वहां पर एडजेक्टिव मोर हो जाएगा. द मोर यू अर्न द मोर यू विल स्पेंड. ठीक है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च करोगे. द मोर यू अर्न द मोर यू विल स्पेंड. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे हम इस मेकिंग फॉर्मूला पर उसको बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद है रोगी और खराब होता चला गया जा रहा है, रोगी और खराब होता जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बोलते हैं कि वो यार मोटा होता चला जा रहा है, तुम पतले होते चले जा रहे हो, वाह क्या बात है, तुम तो और अमीर होते जा रहे हो, इस तरह से वो और गरीब होता चला गया। ठीक है, इस तरह के जो भी सेंटेंस है इससे उसको हम कैसे बनाते हैं, तो यहां पर हम इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। दूसरा, द पेशेंट इज ग्रोइंग वर्स एंड वर्स। तीसरा तरीका, द पेशेंट इज टर्निंग वर्स एंड वर्स। अभी दूसरा सेंटेंस है, वह मोटी होती चली गई, वह मोटी होती चली गई। तो सेम सेम मेकिंग फॉर्मूला होगा, हम उसी तरह से बनाएंगे, बट दिस इज द पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है ग्रो है, और दूसरा में टर्न है, और तीसरा में गेट है, तो उसका ही हम सेकेंड फॉर्म रखेंगे। जैसे वह मोटी होती चली गई, सी गॉट फैटर एंड फैटर। यहाँ पर फैट का जो कंपेरेटिव होता है फैटर होगा, इसलिए हम फैटर बोलेंगे। तो सी गॉट फैटर एंड फैटर। दूसरा, सी ग्रीव फैटर एंड फैटर। तीसरा, सी टर्न्ड फैटर एंड फैटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आसमान लाल होता चला गया। तो आसमान लाल होता चला गया, लाल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो हम रेडर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द पास्ट टेंस। दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि आसमान लाल होता चला गया, द स्काई गॉट रेडर एंड रेडर। दूसरा, द स्काई ग्रीव रेडर एंड रेडर। तीसरा, द स्काई टर्न्ड रेडर एंड रेडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आपको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से बनाते हैं, और आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे टीचिंग से कुछ फायदा हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।